हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो चौटाला परिवार की दोनों पार्टियां हैं। जहां एक तरफ इनेलो को 4.5% वोट मिले हैं तो वहीं पर जेजेपी को 1% से भी कम वोट मिले, यानी दोनों ही पार्टियां मिलकर भी जरूरी 6% वोट हासिल नहीं कर पाई। जिस पार्टी का वोट बैंक हमेशा 20% से ऊपर रहता था और जेजेपी का भी अकेले 2019 के चुनाव में लगभग 16% वोट था, अब वही दोनों पार्टियां अब गर्दिश के दौर में पहुंच गई हैं। दोनों के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दोनों ही पार्टियों के लिए और दोनों ही परिवारों के लिए अब आखिरी विकल्प क्या बचा है। जी हां, अभी भी चौटाला परिवार के सामने एक ऐसा फार्मूला बचा हुआ है जिसके बलबूते पर न सिर्फ दोनों ही परिवार एक हो सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ दोनों ही परिवार की पार्टियां भी आगे चलकर अपने सियासी वजूद को बचाए रखने में सफल हो सकती हैं। चौटाला परिवार के पास क्या ऑप्शन है, क्या फार्मूला है, जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव ने भी दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला दोनों को ही बड़ा इंजेक्शन लगाने का काम किया है। बीजेपी की मेहरबानी से बेशक अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला रानी चुनाव जीत गए हैं और अजय चौटाला को इम्पोर्ट करके डवाली सीट के ऊपर इनेलो चुनाव जीत गई है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर बीजेपी के साथ उनकी सेटिंग नहीं होती तो ऐसे में ना तो अर्जुन चौटाला जीतते और ना ही आदित्य चौटाला इनेलो में जाते, यानी जेजेपी की तरह इनेलो भी जीरो के खाते पर खड़ी होती। दुष्यंत चौटाला के साथ तो और भी बुरा हुआ, उनकी पार्टी की डबवाली सीट के अलावा सभी सीटों पर जमानत जब्त होगी, यानी जो दुष्यंत चौटाला 2019 के चुनाव में अपने आप को चौधरी देवीलाल के उत्तराधिकारी के तौर पर बैठाने का काम कर गए थे, वही दुष्यंत चौटाला 2024 के चुनाव में पूरी तरह से साफ हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों की पॉलिटिक्स पर सुहागा फेरने का काम कर दिया है। अब दुष्यंत चौटाला के प्रति जनता में इतनी ज़्यादा नफरत हो गई है कि उनके लिए दोबारा सर्वाइवल करने के चांस नज़र नहीं आते हैं। वहीं अब चौटाला भी ना तो तीन विधायक बना पाए और ना ही 6% वोट हासिल कर पाए, इसीलिए उनकी पार्टी के ऊपर भी भविष्य का एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। ऐसे में दोनों ही परिवारों की दोनों ही पार्टियों के बीच में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, जो दोनों ही परिवारों को सियासत के शिखर पर फिर से पहुंचाने की क्षमता रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजय सिंह चौटाला की। अजय सिंह चौटाला ही इकलौते ऐसे शख्स हैं जो ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटों के परिवारों को एक कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोनों ही पार्टियों को एक सूत्र में बांधकर वो परिवार को फिर से सियासी तौर पर मजबूत करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि अजय चौटाला के नाम पर ही इनेलो के वो तमाम नेता और वर्कर दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं जो घर बैठ गए हैं। जेजेपी के भी वो तमाम हजारों कार्यकर्ता जो दुष्यंत चौटाला की वर्किंग से खफा होकर पार्टी छोड़ गए हैं या घर बैठ गए हैं, वो भी अजय चौटाला की अगुवाई में दोबारा मैदान में कूद सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं, जी जान झोंक सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि अजय सिंह चौटाला के नाम पर अभय चौटाला को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। वो भी परिवार के भविष्य को देखते हुए अजय चौटाला की अगुवाई में दोनों ही पार्टियों को एक करने पर सहमति जता सकते हैं, यानी अजय चौटाला के जरिए ही चौटाला परिवार में एकता का फार्मूला फिट हो सकता है, यानी दोनों परिवार एक हो सकते हैं। वैसे भी 2014 में जहां अजय सिंह चौटाला जेल के अंदर चले गए थे वहीं पर मजबूरी में दुष्यंत चौटाला को चुनाव लड़ना पड़ा। 2019 और 2024 में भी अजय सिंह चौटाला के ऊपर चुनाव लड़ने की बंदिशें होने के कारण ही वो चुनावी दंगल में नहीं उतरे और इसलिए उनको दुष्यंत चौटाला को आगे करना पड़ा। अब दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में जेजेपी महफूज नहीं है और अजय सिंह चौटाला के परिवार की किस्ती भी भंवर में फंस गई है। ऐसे में अगर अजय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला को शरण कर सकते हैं, उनको पावर कम करके खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सारी जिम्मेदारी लेते हैं और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं, तो फिर ऐसे में दुष्यंत चौटाला के प्रति जनता की नाराजगी भी बेमानी हो जाएगी। अभय चौटाला की दुष्यंत चौटाला के प्रति खुंदक भी खत्म हो जाएगी और ऐसे में दोनों ही परिवार एकता के सूत्र में बंधकर फिर से एक पार्टी के झंडे के नीचे खोई हुई ताकत और रसूक को पाने के लिए एकजुट हो सकते हैं। यही वह कारण है कि अजय सिंह चौटाला के ऊपर ही सवारा दारोमदार है। अजय चौटाला को ही
सबसे पहले फैसला लेना होगा कि जेजेपी के सारे फैसले और सारी कार्रवाई उन्हें दुष्यंत चौटाला पर छोड़ने के बजाय खुद सारे के सारे फैसले लेने होंगे और खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक्टिंग दिखने की बजाय फुल पावर में आना पड़ेगा और हर फैसला खुद लेना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही जेजेपी की वापसी का दरवाजा खुल सकता है और अभय चौटाला के साथ पैचअप की गुंजाइश भी बन सकती है। यानी अजय सिंह चौटाला ही एकमात्र वो रास्ता है, एकमात्र वो विकल्प है जिनके जरिए न सिर्फ चौटाला परिवार की दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं बल्कि चौटाला परिवार भी एक हो सकता है और पूरा परिवार दोबारा से एकजुट होकर खोई हुई ताकत और रसूख को हासिल करने के लिए कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2029 के चुनाव में ना तो जेजेपी बचेगी ना ही इनेलो बचेगी और सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही दोबारा से होता हुआ नजर आएगा। अजय चौटाला 2029 के चुनाव में खुद ही चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उनके पर कानूनी बंदिशें खत्म हो जाएंगी और ऐसे में उनकी अगुवाई में ही चौटाला परिवार दोबारा से अपनी सियासी ताकत को और रसूख को बढ़ाने के लिए सबसे बड़े मिशन को अंजाम देने का काम कर सकता है। यानी अगर अजय चौटाला खुद इस गंभीरता को पहचाने, खुद हालात को पहचाने और दोनों ही पार्टियों और दोनों ही परिवारों के भविष्य को गंभीरता से चिंतन करते हुए देखेंगे तो ऐसे में उनके ऊपर ही ये सारा दरमदर है कि वो दोनों परिवार को एक कर दें, दोनों पार्टियों को एक कर दें और ऐसा होने पर ही हजारों की संख्या में चौटाला परिवार के वर्कर दोबारा से लामबंद होकर दोनों ही परिवारों को एकता के सूत्र में बंधने के बाद पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं, बीजेपी और कांग्रेस को बराबर की टक्कर देने का काम कर सकते हैं। आप इनेलो और जेजेपी की एकता की संभावनाओं को कितना पॉसिबल मानते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अजय चौटाला की अगुवाई में चौटाला परिवार के एक होने की संभावनाएं और उसके प्रभाव के बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। चौटाला परिवार के दोनों ही पार्टियों के अलग अलग होने पर सियासी भविष्य के बारे में भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।